यार यहाँ तो कोई नहीं है, किससे पूछ लूं कि कहाँ रह जाऊं। अच्छा एक खान साहब नजर आ रहा है, इसके पास जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे खान साहब बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ पे कोई जानने वाला भी नहीं, कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ पे मैं कुछ देर के लिए रह सकूँ। अच्छा बहुत दूर से आए हो, आप तो हमारे मेहमान हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर ही ठहर जाओ। अस्सलाम वालेकुम दाजी। वालेकुम सलाम, कौन है ये शख्स? दाजी ये मेहमान है, बहुत दूर से आया है। अच्छा ले जाओ इसको अंदर, और हाँ इसकी खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जो मांगे दे देना और आग के काने के लिए दुम्बा गिरा दो। ये कौन है? ये दाजी है, इलाके का मशर। मशर मतलब? मशर मतलब बड़ा, सब इसके मानते हैं। अच्छा सुल्तान बेटा, ओ सुल्तान बेटा, कमबख्त कहाँ मर गया, कब से आवाजें दे रहा हूँ मैं इसको। जी दाजी। सुल्तान बेटा जाओ मेहमान को बुलाओ, बाहर जा रहा हूँ, वो भी साथ चला जाएगा, ताज़ा हवा खा लेगा। जी दाजी अभी बुलाता हूँ। जी खान साहब आपने बुला लिया मुझे। बाहर जा रहा था, सोचा आपको भी साथ लेके चलो, चलो चलते हैं बाहर। जी खान साहब। कितना खूबसूरत इलाका है ये, और इस इलाके से ज्यादा खूबसूरत इसकी चाय है। अच्छा छोटू दो कप चाय ला। हेलो मूसा, अशरफ यहाँ बैठोगे, जल्दी आ जाओ। चलो चलते हैं। अशरफ तुम यहाँ चुप बैठे हो? खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी कसूर हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हम भी यहाँ पे खड़े हैं, कोई हमें भी बता दे कि क्या माजरा है। खान साहब भाई को मारा है इसने मेरे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये फैसला तो जिरगे में होगा कि कौन सही है और कौन गलत। नहीं खान साहब, फैसला अभी और इसी वक्त होगा, मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा। कहा ना कि फैसला जिरगे में होगा। मार उसे। खान साहब ये हमारा मामला है, हमारे बीच ना आए, हमारे मामले से पीछे हटे। खान भी कह रहे हो और पीछे हटने को भी कह रहे हो, गैरत मिलमस्ता हमारे खून में है, जाएगा नहीं हमसे। कपमिनवी दो जख्त दर सरजम खुप जोर दिवला का जनत वाखलम शरपख्तुनियम खुशूर रसरा मल दे खपल इज्जत बदखपल सर पर कीमत वाखलम।